हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शायन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो के अंदर में मैं आप लोगों को एक एक्सपेरिमेंट, एक रिसर्च के बारे में बताने वाला हूं, जो कि इंसानी हिस्ट्री में सबसे ज्यादा क्रूर, सबसे ज्यादा खतरनाक रह चुका है, जिसका नाम है फ्रेंड्स रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट। तो फ्रेंड, ये रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट क्या है, ये रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट कब परफॉर्म किया गया था और यहाँ पर रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट के अंदर में किस चीज के ऊपर में एक्सपेरिमेंट किया गया था, इन सारी डिटेल्स जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। फ्रेंड्स, रशिया के अंदर में 1940 में स्लीप एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया गया था और यहां पे इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए 5 प्रिजनर्स जो कि वर्ल्ड वॉर के कैदी थे, उनको एक रूम, एक चेंबर के अंदर में डाल दिया गया था। यहां पे फ्रेंड्स, इन 5 प्रिजनर्स को उस चेंबर के अंदर में सर्वाइव करने के लिए खाना दी गई थी, पीने के लिए पानी दी गई थी, पढ़ने के लिए किताबें भी दी गई थी, लेकिन रूम के अंदर जो ऑक्सीजन लेवल्स होना चाहिए उसे कम कर दिया गया, बल्कि उसके जगह पे एक जहरीली गैस को छोड़ दिया गया। और यहाँ पे उन प्रिजनर्स को ऐसा ऑर्डर दिया गया कि उन लोगों को जो है जागते रहना है, बिल्कुल भी सोना नहीं है। और फ्रेंड्स, इस पूरी जो एक्सपेरिमेंट है इसको मॉनिटर करने के लिए रूम के एक साइड में 2-sided मिरर का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि उसी टाइम पे जो है सीसीटीवी कैमरास बना ही नहीं था। और रूम के बाहर जितने भी रिसर्चर्स बैठे थे और रूम के अंदर जो प्रिजनर्स है, इन दोनों के बीच में बातचीत चलाने के लिए जो है माइक्रोफोन का इस्तेमाल किया गया था। पहले कुछ दिन तक तो जो है ये एक्सपेरिमेंट नॉर्मल चल रहा था, कोई भी चेंजेस देखने को नहीं आ रहा था, लेकिन अचानक से 5 दिनों के बाद से जो है प्रिजनर्स के अंदर में स्ट्रेस देखने को मिला था। और वहां पे प्रिजनर्स जो है वो अपने आप से या फिर दूसरों से बात करना बंद कर दिया था, क्योंकि आपको पता ही है कि अगर कोई भी इंसान 1 या 2 दिन नहीं सोता है तो उसके अंदर में स्ट्रेस बिल्डअप हो जाता है। मतलब अगर आप नहीं सोते हो तो आप जो है आपका दिमाग ठीक तरह से काम नहीं करता है, आप किसी के ऊपर जो है कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते हो, तो वही चीज जो है इन प्रिजनर्स के साथ हो रहा था। और फ्रेंड्स, 9 दिनों के बाद से जो है अचानक से चेंजेस देखना चालू हो गया था। यहाँ पे फ्रेंड्स, 2 प्रिजनर्स ऐसे थे जो चेंबर के अंदर में जोर जोर से दौड़ रहा था और बहुत ही जोर से चिल्ला रहा था, और यहाँ पे इतना जोर से चिल्ला रहा था कि बाहर से रिसर्चर्स को ऐसा लगा कि शायद प्रिजनर्स का वोकल कॉर्ड ना फट जाए, लेकिन फिर से अचानक से जो है सब कुछ साइलेंट हो गया। तो ऐसे में रिसर्चर्स डर गए, वो सोचे अंदर क्या हो रहा था, कोई मर गया या फिर सब जिंदा है। तो वो लोग ये अनाउंस किया कि हम लोग दरवाजा खोलने वाले हैं चेंबर का, और अगर आप सामने खड़े हो तो साइड में हो जाओ, वरना हम लोग गोली मार देंगे। लेकिन अचानक से अंदर से एक प्रिजनर ने थ्रू माइक्रोफोन ऐसा कहा कि हम लोगों को जो है अब फ्री नहीं होना है। तो एक्सपेरिमेंट जो है फिर से चलता रहा, देखते रहे वो लोग रिसर्चर्स के अंदर में क्या चल रहा। और यहां पे 14 दिन के बाद जो है रूम के अंदर का जो जहरीली गैस था उसे छोड़ दिया गया और उसके जगह पे फिर से फ्रेश एयर ऑक्सीजन को डाल दिया गया और कैओस चालू हो गया। एक प्रिजनर तो ऑलरेडी मर चुका था और बाकी जो 4 बचे थे वो अपने आप का मंग्स, बॉडी ऑर्गन्स, अपना जो मसल्स है उसे फाड़ने लगा, नोचने लगा। और एक प्रिजनर तो अपना एब्डोमिनल ऑर्गन्स जो था उसे भी फाड़ दिया, और वो लोग चिल्ला चिल्ला के ये कह रहे थे कि हम लोगों को जो है जागते रहना है। और अंदर जितने भी किताब थे उनके सब पन्ने इन्होंने, इन प्रिजनर्स ने फाड़ दिया और उन्हें ग्लास मिरर के ऊपर जो है लगा दिया था, ताकि बाहर से रिसर्चर्स को यह ना पता चले कि अंदर में क्या हो रहा है। तो ऐसे में रिसर्चर्स ने सोचा कि चलो दरवाजा खोल के देखते हैं अंदर कोई जीवित है कि नहीं। तो उन्होंने जब दरवाजा खोला तो अंदर क्या चल रहा था वो सब देख के हैरान हो गया। अंदर प्रिजनर्स अपने आप का मंग्स जो है नोच रहा था, अपने अपने ऑर्गन्स को फाड़ रहा था और चिल्ला रहा था। तो ऐसे में जो रिसर्चर्स थे उन्होंने यह सोचा कि चलो एक्सपेरिमेंट को बंद कर देते हैं और जितने भी प्रिजनर्स बचे हुए हैं सबको मार देते हैं, ताकि किसी को इस एक्सपेरिमेंट के बाद में कोई भी खबर ना लगे, कोई भी पता ना लगे। और इन रिसर्चर्स का जो ग्रुप था, इसका जो हेड था, वो एक तानाशाही था। उसने ये सोचा कि नहीं, इस एक्सपेरिमेंट को जो है अभी भी हम लोगों को चलाना चाहिए। तो उन्होंने ये सोचा कि चलो इन प्रिजनर्स के साथ साथ कुछ रिसर्चर्स को भी अंदर डाल देते हैं, देखने के लिए कि असर क्या पड़ता है। तो ऐसे में उस ग्रुप के अंदर में एक रिसर्चर जो कि इस क्रूरता को बर्दाश्त नहीं कर पाया, ये सब कुछ देख के हैरान था, उसने अपना बंदूक निकाली, सब प्रिजनर्स को मार दिया, रिसर्चर्स को मार दिया,
और लास्टली जो है वो अपने आप को भी गोली मार दिया। तो फ्रेंड्स ये थे रशियन एक्सपेरिमेंट। लेकिन फ्रेंड्स अभी तक जो है उस गैस के बारे में अभी तक पता नहीं चला है कि वो जहरीली गैस क्या था। और फ्रेंड्स सिर्फ यही नहीं बल्कि ये भी पता नहीं चला कि उस एक्सपेरिमेंट को असल में किस चीज को या फिर किस चीज के खोज के लिए किया गया था, ये देखने के लिए कि वो जहरीली गैस आदमी के शरीर के ऊपर क्या प्रभाव डालता है, या फिर ये देखने के लिए कि आदमी जो है अगर कई दिनों तक नहीं सोता है तो उसके शरीर के अंदर में क्या चेंजेस हम लोगों को देखने को मिलता है, या फिर ये देखने के लिए कि वो जहरीली गैस आदमी को कितना क्रूवेल कितना फ्रोशस बना सकता है ताकि आदमी को जो है वर्ल्ड वेयर में इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन फ्रेंड्स कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि रशियन स्लिप एक्सपेरिमेंट जो है वो कभी हुआ ही नहीं, बल्कि ये एक मनगढ़ंत कहानी है, ये एक मिस्ट्रियस फैक्ट है, या फिर ये एक बनावटी कहानी है। लेकिन फ्रेंड्स अगर रशियन स्लिप एक्सपेरिमेंट कभी हुआ है तो ये इंसानी इतिहास में सबसे ज्यादा खतरनाक सबसे ज्यादा क्रूवल सबसे ज्यादा फेरोशस इवेंट एक्सपेरिमेंट जो भी आप कह लो वो रह चुका है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको इस वीडियो के बारे में कोई भी सवाल या सुझाव है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर टाइप कर सकते हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि मैं आप लोगों के लिए रोजाना ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आता रहता हूं। तब तक के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। पीस।